आज जाके इस वीडियो में जो आपने रिक्वेस्ट किया था रोग स्ट्रिक्स G16 एंड डेल G15 का डायरेक्ट फाइट करवाने के लिए, तो बस आज आ गए हैं उसी वीडियो के साथ। इसमें हम और भी लैपटॉप्स को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में रखेंगे जो कि इसके आसपास रेंज में फॉल करता है। दोनों में कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एंड वाई दोनों को अपने प्राइस रेंज से अगर देखा जाए तो फिट बैठता है कि नहीं, वो भी चेकआउट मारेंगे। सबसे पहले बिल्ड एंड लुक्स देख लेते हैं। दोनों ही धांसू बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं, पर एक का वेट 2.25 kg है जो कि रोग स्टिक्स है, एंड डेल G16 का वेट 2.6 kg जो कि थोड़ा ज्यादा है, बट हाँ काम चलाना पड़ेगा आपको उसके साथ, थोड़ा सा वेट ज्यादा हो सकता है। Hinges are stable in both, but Rogue Sticks का थोड़ा slim lid है compared to Dell G15. G16 का थोड़ा premium लगता है, सही बताऊं तो Rogue Sticks G16 का। Rogue Sticks में आपको top lid aluminium का मिलता है and rest chassis back and side polycarbonate, काफी grip भी दे रखे हैं। On the other side Dell G15 complete polycarbonate build में आता है। दोनों ही build quality में मस्त हैं, लेकिन Rogue Sticks G16 looks more premium, but जिसको थोड़ा alienware वाला look पसंद है, he can go with Dell G15. लेकिन जिसको RGB के नशे and cyber पंग इंस्पायर्ड लुक्स पसंद है लैपटॉप के हिसाब से, फॉर देम रोग स्ट्रिक्स कैन बी एन एक्स्ट्रा एडिटिव एडवांटेज फॉर देम। एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा उसके लिए। जहां तक कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात है, तो यहां पर आपको रोग स्ट्रिक्स में थोड़ा ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक कीज का मिक्सचर मिलता है विद 4-zone RGB कीबोर्ड। की साइज काफी अच्छा है, बट नम पैड नहीं मिलता है। नम पैड की जरूरत है देन तो भाई G15 में आपको देखने को मिलेगा। उसमें कीज के साइज बस G15 में थोड़े छोटे मिलते हैं, सिंगल ऑरेंज कलर बैकलेट मिलता है। कीज थोड़े ओल्ड जेन टाइप के फील होते हैं, अल्फाबेट रिटन इन ऑरेंज कलर। अब ये पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंस डिफर करेगा, किसी को सिंपल चाहिए, किसी को तड़क भड़क। करेक्ट, मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस रोग स्टिक्स का थोड़ा बेटर लगा। इसका हैंड प्लेसमेंट जो है लैपटॉप पर वो काफी बेटर मेरे को लगता है, की साइज भी अच्छा है। इसका भी रीजन है, रोग स्टिक्स में ट्रैक पैड काफी बड़ा साइज का है एंड ऊपर जो वेंट्स है उसको थोड़ा सा छोटे रखकर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर दिया गया, जिसमें कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड के लिए स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अलग से म्यूट एंड साउंड परफॉर्मेंस मोड के लिए अलग से आपको बटन भी मिल जाता है। पर जहां तक डेल G15 की बात है, देयर यूएसपी परफॉर्मेंस मोड में भी आपको थोड़ा साइलेंट फैन का साउंड मिलेगा। कैसे? क्योंकि ऊपर के साइड आपको काफी बड़ा वेंट दे दिया जाता है, जिसके कारण ट्रैक पैड छोटू मोटू सही काम चलाना पड़ जाता है। एक फायदा तो दूसरा नुकसान वही बात यहां आ जाता है। अब हम स्पेक्स कंपेयर कर लेते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि डेल G15 अभी रेट जो चल रहा है वो 73,000 रुपीस का है, एंड रोग स्टिक्स का G16 का रेट 89,000 रुपीस। डिफरेंस इज ऑफ रुपीस 16,000, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। अब रोग स्टिक्स किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा लेता है वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, एंड क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। लेट्स फाइंड आउट। दोनों में ही आपको i5-13450HX प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिल जाता है। एक में 6P कोर्स एंड 4E कोर्स देखने को मिलता है। HX CPU is really powerful, जैसा मैंने बताया, with 55 वाट बेस पावर एंड मैक्स 147 वाट TDP पुश कर सकता है ये CPU। दोनों में ही आपको RTX 3056GB VRAM CPU मिलता है with 95 वाट TDP। दोनों ही धाकड़ है भाई इस मामले में। तो सेम ही GPU, सेम ही CPU। दोनों में ही आपको 512GB Gen 4 SSD मिलता है, दो स्लॉट्स मिल जाते हैं। रीड राइट से अप्रोक्सीमेटली सेम ही है जो कि मिड Gen 4 वाला है। दोनों भाई बुंदुई जैसा फील करा रहे हैं कुछ चीजों में, बस नहीं। DDR5 16GB 4800 MHz dual channel RAM दोनों में ही मिलता है, लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में रोग स्टिक्स में Wi-Fi 6E मिल जाता है, Dell G15 में Wi-Fi 6 मिलेगा, एंड रोग स्टिक्स में आपको Bluetooth 5.3 मिलता है जबकि Dell G15 में Bluetooth 5.2 मिलता है। दोनों में ही लाइफ टाइम MS ऑफिस मिल जाता है। ये तो भाई Dell में तो पहले ही मिलता था, अब रोग स्टिक्स वाले भी देने लगे। 1 year Mac Cafe एंटीवायरस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। दोनों दम पूरा लगाया है एक दूसरे से कॉम्पिटिशन देने का। लेकिन स्टार्टिंग में Dell G15 का प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में क्या 73K में Dell G15 89K में रोग स्टिक्स अपने बेनिफिट्स को साबित कर पाएगा? चलो आगे देखते हैं। पोर्ट्स के मामले में रोग स्टिक्स क्लियर विनर है, विथ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, PD चार्जिंग सपोर्ट, क्योंकि दोनों ही आपको Dell G15 में नहीं मिलता। नाउ यू जस्ट थिंक, विल यू पे एक्स्ट्रा फॉर थंडरबोल्ट एंड PD चार्जिंग? Dell G15 में 1C टाइप पोर्ट मिलता है एंड रोग स्टिक्स में 2C टाइप पोर्ट इंक्लूडिंग थंडरबोल्ट मिल जाता है। देखो पोर्ट्स के मामले में तो नो डाउट अपना रोग स्टिक्स G16 जीत जाता है, लेकिन जो हमारे लेफ्ट हैंडर दोस्त हैं उनके लिए रोग स्ट्रिक्स में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज मैक्सिमम पोर्ट्स लेफ्ट साइड में है। करेक्ट, तो हाथ स्टक हो सकता है व्हाइल प्लेइंग गेम्स थ्रू माउस एंड ऑल। करेक्ट, उस हिसाब से डेल G15 में आपको दिक्कत नहीं होना कि बैक साइड में मैक्सिमम पोर्ट्स आपको देखने को मिलता। अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों लैपटॉप में वो हम पहले गेमिंग एंड परफॉर्मेंस चेक मार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रोग स्ट्रिक्स का एंड Dell G15 का कॉम्पिटिशन। भाई हाई सेटिंग्स के साथ खेल रहे हैं, दोनों में सेम FPS
95 वाट TDP का लैपटॉप है, और अगर आप पुश देखोगे तो अभी फिलहाल तो लेफ्ट साइड में अपना 50 वाट TDP और राइट साइड में भाई 70 वाट TDP जा रहा है। रैम यूटिलाइजेशन देखो, राइट साइड में 14 GB का अप्रॉक्सिमेटली और लेफ्ट साइड में 13 GB। टेम्परेचर भी ध्यान था। नेक्स्ट गेम RDR2, यहाँ पे डिलेसिस ऑन पर हम अल्ट्रा सेटिंग के साथ खेल रहे हैं और पता नहीं क्या हो गया, रोग स्ट्रिक्स भैया 90+ FPS निकाल रहा था 50 में, कुछ ग्लिच होगा भैया, नहीं तो 60-65-17 एवरेज FPS निकाल पाता। कैसे निकाल रहा है ये क्वेश्चन वाली बात है, बट इन एन एवरेज हमने दोबारा भी चेक किया तो 70-75-80 FPS के अराउंड दोनों ही निकाल रहा था। रोग स्ट्रिक्स का थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं साइबर पंक पे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रीट्रेसिंग अल्ट्रा DLSS ऑफ में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बेटर FPS देखने को मिल रहा था, और अल्ट्रा DLSS ऑफ में सिर्फ अल्ट्रा सेटिंग्स में अगर आप खेलोगे तो बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस निकाल पाओगे, जिसमें FPS सेम मिल रहा था। अब यहां अगर आप देखोगे तो भाई लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट सेटिंग है, राइट साइड में वेरी हाई सेटिंग है, तो उस हिसाब से देखोगे तो डेल G16 में भी जब वेरी हाई अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग कर देते तो ये भी 140-155 FPS आराम से निकाल लेता है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग में अपना मैक्स FPS निकाल कर ला पा रहा है रॉक स्टिक। सिमिलरली डेल G15 भी निकाल लेता है, बट वेरी हाई सेटिंग्स में भी अगर 90+ FPS निकाल रहा GT5 में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस। टेम्परेचर आप ध्यान से देख रखना, दोनों में 80-85 के अराउंड जा रहा था। अब आ जाते हैं अपना फोर्जा होराइजन में, यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा FSR DLSS ऑफ कर जब हम चेक कर रहे थे तो अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा सा FPS में डिफरेंस दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने DLSS ऑन किया तो भी FPS नियर बाय सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था, बिकॉज हम लोग एक साइड लेफ्ट साइड गेम खेल रहे थे, राइट साइड बेंचमार्क चल रहा था। नेक्स्ट गेम अपना फायर क्राई है, यहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा भैया, यहां पे CPU GPU दोनों यूटिलाइज हो रहा है, DLSS ऑन पर सेम ही FPS देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं अप्रॉक्सिमेटली सेम है। TDP वॉट इज पुश भी आप चेक कर लेना, वो आपको क्लैरिटी देगा कि कौन कितना पुश कर रहा है मामला यहाँ पे। नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है वैलोरेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो जी सिंक ऑन है तब भी 250+ FPS निकाल रहा है, राइट साइड में जी सिंक है ही नहीं इसलिए 300+ FPS हमको देखने को मिल रहा है, अगर लेफ्ट साइड में भी जी सिंक ऑफ कर देंगे तो ये भी हमारा 300 FPS आराम से क्रॉस कर जाएगा वैलोरेंट में, जस्ट टू शोकेस कि भाई जी सिंक का क्या डिफरेंस होता है अगर आप जी सिंक ऑन करते हैं तो। नेक्स्ट गेम अपना वार जोन पे अगर अभी अल्ट्रा में DLSS ऑन कर हम चेक कर रहे थे तो दोनों साइड ही हमको सेम ही FPS देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सिमेटली, और लेकिन रैम भाई डेल G15 पूरा यूटिलाइज कर रहा है 15 GB, लेफ्ट साइड में 15 GB के ऊपर कम ही देखने को मिला। TGP पुश की बात जहां तक है तो भाई ये भी अपना TGP 87-80 भाई 90 तक जा रहा है, दोनों ही अपना TGP ठीक ठाक पुश कर रहा है। एक्सट्रीम सेटिंग में वाट लगते हुए लेफ्ट साइड में थोड़ा FPS गिरते हुए राइट साइड में 90 FPS अचीव करते हैं, बट सिनेरियो को ध्यान रखना, यहां पर 15 GB अपना रैम यूटिलाइज हो रहा है लेफ्ट साइड में भी, और TGP कहीं ना कहीं 82-84 जा रहा है GPU का रोग स्ट्रिक्स में है। और नेक्स्ट गेम अपना एविल डेड, जिसमें अगर आप देखोगे तो FSR ऑफ कंडीशन में हाई सेटिंग में सेम ही FPS, सेम ही रैम यूटिलाइजेशन, अप्रॉक्सिमेटली सेम ही टेम्परेचर, और मेमोरी यूटिलाइजेशन भी देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली नियर बाई ही देखने को मिल रहा है। TGP भाई 90+ वॉट टेस्ट दोनों ही पुश कर रहे हैं, दोनों ही कैपेबल GPU है। FSR ऑन करके अगर हम हाई सेटिंग्स में खेलते हैं थोड़ा सा FPS बढ़ते हुए देखने को मिलता है, लेकिन CPU का टेम्परेचर थोड़ा सा भाई रेगुलर गेम खेलने के बाद ऊपर की तरफ जाया, 90°C 95°C भी टच किया एक बार रोग स्ट्रिक्स में, तो भैया जो लोग बोलते थे कि भाई टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है तो उससे वरी ना करें, देयर इज नो थ्रॉटलिंग। अब हाई सेटिंग्स में हम अपना होराइजन फॉरबिडन वेस्ट खेल रहे हैं तो भाई देखो यहाँ पे भी सेम ही FPS निकाल कर ला रहा है, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जी सिंक के कारण आपको कलर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट देखने को मिल रहेगा, बट इज दैट मच डिफरेंस, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मुझे अप्रॉक्सिमेटली भाई एक्सपीरियंस सेम ही लगा, बट हाँ डिस्प्ले लेफ्ट में थोड़ा सा बेटर है तो उसका कहीं ना कहीं +5-10% आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। अब वेरी हाई सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा FPS लेफ्ट साइड में हमको 4-5 डिफरेंस मिल रहा था, बट अगेन इट्स सिनेरियो टू सिनेरियो, अप्रॉक्सिमेटली परफॉर्मेंस दोनों लैपटॉप ने इस गेम में भी नियर बाई ही ला कर दिया। अब जहां तक TGP देखोगे तो उसमें भी हमको 80+ वॉट TGP पुश किया है, टेम्परेचर डेल G15 में समवेयर अराउंड 80-85°C है और लेफ्ट साइड में 80-89-90°C भी पहुंचा है, क्योंकि TGP ज़्यादा पुश कर रहा है रोग स्ट्रिक्स यहाँ पर। नेक्स्ट गेम अपना आ गया, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200+ FPS देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमने जी सिंक ऑफ कर दिया था तो हमको काउंटर स्ट्राइक में दोनों में ही सेम FPS देखने को मिल रहा है, जो कि वैलोरेंट में नहीं मिल रहा था बिकॉज जी सिंक ऑन था वहाँ पर। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बिकॉज GPU इंटेंसिव हो गया तो GPU दोनों में ही 80-84-85-87 पुश कर रहा है। अब यहाँ पर LNV1-2 में आ जाते हैं भाई, मीडियम सेटिंग में हम पहले चेक कर रहे हैं DLG 15 में तो यहाँ पे 30-35 FPS, भाई देखो ये बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम ये भी है और मीडियम सेटिंग मतलब वाट लगाना लैपटॉप का, लेकिन अगर 30-35 सेटिंग्स के साथ अगर आप देख सकते हो कोई लैग कोई डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यू कैन ईजिली प्ले दिस गेम और
अगर आप सीनेरियो देखोगे तो अगर आप थोड़ा सा इसको मीडियम या लो सेटिंग में कर दोगे तो आप 50-55 एफपीएस आराम से निकाल पाओगे। अभी हम इसको थोड़ा सा मोशन मोड से हटाकर देख रहे थे, 50 एफपीएस जा रहा था, लेकिन 30-35 एफपीएस आप मीडियम सेटिंग पर एंजॉय कर सकते हो रोग स्टिक्स में भी, जो कि आप सामने देख पा रहे हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्क का कंपैरिजन देखोगे भैया तो मल्टी स्कोर में तो रोग स्टिक्स थोड़ा सा बेटर करता है सिंगल स्कोर में अपने डेल जी 15, बट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस माना जाएगा रोग स्टिक्स का और डेल जी 15 का। अगर आप 3D मार्क 10 देखोगे तो भैया यहाँ पे भी 100-150 का डिफरेंस है, मार्जिनल है, इसको कह सकते सेम ही है। लेकिन अगर यहाँ पीसी मार्क 10 देखोगे तो यहाँ पे 200-300 पॉइंट से डेल जी 15 जीत जाता है, कॉम्पिटिशन दोनों एक दूसरे को पूरा ही दे रहा है। सिमिलरली अगर आप रीड राइट स्पीड देखोगे तो यहाँ पर डेल जी 15 का थोड़ा सा बेटर आ जाता है रोग स्टिक्स से, कहीं ये तो कहीं वो, दोनों ही अच्छा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लेंडर स्कोर देखोगे देखोगे भाई दोनों में 30-50-95 और TCP का है तो 1300-1400 के अराउंड दोनों में ही आपको स्कोर देखने को मिलता है। अगर गीकबेंच का स्कोर देखोगे तो भैया देखो अगर मल्टी स्कोर देखो तो 12000 के अराउंड दोनों में ही है, मैं सोचा दिखा दूं अप्रॉक्सीमेटली सेम है और GPU सेम ही है तो 60000 के अराउंड दोनों ही ने अचीव किया है, अप्रॉक्सीमेटली भाई परफॉर्मेंस सेम ही देखने को लग रहा है। डिस्प्ले एक मेजर पॉइंट है जिसमें अगर इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें 16 के एक्स्ट्रा पे करके यू विल गेट 100% sRGB FSD प्लस 1920x1200 पिक्सल 16:10:0 WXGA IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद अप्रॉक्स 250 nits ब्राइटनेस 165 हर्ट्ज देखने को मिलता है आपको G16 में। साथ ही G-Sync का फीचर भी मिलता है, Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है। क्लियर विनर तो भाई ROG Strix निकला। लेकिन वेट 17K बचा भी तो रहे हो, 17000 बचा भी तो रहे हो Dell G15 में, जिसमें आपको WVA डिस्प्ले FSD 1920x1080 16:9 अप्रॉक्स 280 nits ब्राइटनेस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले 45% NTSC एंड 65% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है। अब G-Sync वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन 100% sRGB की जरूरत एक प्रोफेशनल कंटेंट ग्राफिक डिजाइनर या जिसको हैवी कलर ग्रेडिंग वर्क या वीडियो के अंदर कलर करेक्शन करनी हो उसको ही जरूरत पड़ती है। नॉर्मल गेमिंग, मूवी वॉचिंग एंड रेगुलर वर्क में तो कोई डिफरेंस पता भी नहीं चलता। और 17 के बचा भी तो रहे हो तो भाई उससे एक 100% sRGB वाला मस्त मॉनिटर खरीद लेना बाद में, है कि नहीं। लेकिन अगर लैपटॉप में सारे फीचर चाहिए फिर तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा फॉर ROG Strix G16। बैटरी लाइफ की बात करें तो भाई अब HX CPU आ गया है मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में, तो कंपनीज प्लीज अपने बैटरी पावर को भी बढ़ाओ बिकॉज HX ज्यादा पावर यूटिलाइज करता है। डेल में वही 56 वाट आवर की बैटरी जो आपको 1.5 टू 2.5 आवर्स मैक्स बैटरी बैकअप देगा इन बैटरी बैकअप मोड। दूसरे साइड ROG Strix में 64 वाट आवर की बैटरी मिलती है जो कि eGPU मोड पर 3 टू 3.5 आवर्स बैटरी बैकअप निकाल कर दे देता है। इसका फुल चेक मैंने डेडिकेटेड वीडियो में कर रखा है, जाकर वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। स्पीकर अगर देख तो दोनों में ही Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। स्पीकर क्वालिटी इज गुड एंड लाउड, बट यहाँ पर भी ROG Strix का स्पीकर थोड़ा सा और इमर्सिव फील होता है। इसके कंपटीशन में आप आ जाते हैं LOQ i5 13450 HX RTX 3050 मिल जाएगा विद 100% sRGB जो कि 82 के अराउंड अभी चल रहा है। Infinix i7 13 1440 4050 मिल जाता है, Nitro 5 मिल जाता है विद 45% NTSC 3050 और 4050 का ऑप्शन, MSC Cortana मिल जाता है बट उसमें भी 45% NTSC से ही काम चलाना पड़ता है, बट i7 3050 मिलता है। लेकिन अगर आपको स्लिम में लेना है तो भाई उसमें स्लिम लैपटॉप्स में भाई Asus Vivo Book मिल जाता है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना लैपटॉप पसंद कर सकते हो, रिव्यूज तो मैंने सारा का कर रखा है। अब अपना पसंद एंड लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हो वो जरूर मेरे को कमेंट कर बताना जरूर, ठीक है। देखो भाई लोग, वैसे तो मैंने वीडियो में ऊपर बता ही दिया कि भाई किसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। अब जो ROG Strix G16 लेने का सोच रहे हैं तो भाई उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है और एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे कर रहे हो, क्लियरली एक्सप्लेन। और Dell G15 की जहां तक बात है तो भाई परफॉर्मेंस वही निकाल कर दे रहा है गेमिंग में, थर्मल्स में एंड इवन डिस्प्ले काइंड ऑफ थोड़ा बहुत, तो वही चीज जो कि ROG Strix G16 में निकल कर आ रहा है। तो भाई अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आपको 100% sRGB से मतलब नहीं, ठीक है, आपको G-Sync से कोई खास मतलब नहीं और RGB के नशे से भी कुछ खास मतलब नहीं है और एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप देख रहे हो तो G16 को छोड़कर आप Dell G15 के साथ भी जा सकते। लेकिन ये बात क्लियरली इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नो डाउट जो पैसा आपको एक्स्ट्रा 15-16 हजार ROG Strix ले रहा है उसका वो
क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। सो इस हिसाब से अपना एक आप ओपिनियन बनाओ। रेस्ट जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको एलोक्यू भी मिल जा रहा है i5 13 जनरेशन, उसके बाद आपको आसूस वीवो बुक भी 3050 मिल जा रहा है अगर आप स्लिमर एडिशन के साथ जाओगे, लेकिन आसूस में आपको थोड़ा सा वॉटेज कम देखने को मिलेगा। एलोक्यू में आपको बेटर सब कुछ, स्पेक्स एंड ऑल सब कुछ बेटर मिलता है, थोड़ा क्लीन लुकिंग लैपटॉप है। किसी को थोड़ा क्लीनर लुकिंग लैपटॉप पसंद है तो वो एक बार एलोक्यू के बारे में सोच सकता है। बट इस कंपैरिजन से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, रेस्ट सारे लैपटॉप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना जरूर। एंड हाँ, वीडियो पसंद आई, कंपैरिजन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।